कल बेटा हमने पढ़ाया था क्लास 11 में एलआई का असंगत व्यवहार। आज इसमें कंपाउंड है कास्टिक सोडा, इसको एनएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएच। कास्टिक सोडा इसका व्यापारिक नाम है और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम। एनए को क्या कहते हैं? सोडियम। एच को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कास्टिक सोडा इसका व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा। तो इसका अनुभार देखें, सोडियम का परमाणुभार 23 होता है, ओ का 16 होता है, एच का 1 होता है, इससे कितना हो गया? 40। तुल्यांकीभार निकालने के लिए, छात्र तुल्यांकीभार निकालने के लिए उसके अनुभार में उपस्थित OH- आवेश की संख्या का भाग दे देते हैं। 40 में 1 का भाग दे दिया तो कितना हो गया? 40 हो गया। इससे इसका अनुभार भी 40 हो गया और तुल्यांकीभार भी 40 हो गया। अब इसके बनाने की औद्योगिक विधियां, NaH बनाने की औद्योगिक विधियां, NaH बनाने की औद्योगिक विधियों में 3 विधियां हैं। इसमें सबसे पहली विधि है विद्युत अपघटनी विधि, जिसमें सबसे पहली विधि है नेल्सन सेल। इसमें सबसे पहली विधि कौन सी है? नेल्सन सेल। इसका फिगर आपके सामने स्पष्ट है, तो फिगर में देखिए, सबसे पहले इसमें यू आकार का एक डायफ्राम होता है, यू आकार का एक डायफ्राम है जिसके अंदर एस्बेस्टोस की परत लगी हुई है, एस्बेस्टोस की परत लगी हुई है। इसमें एक स्टील का छिद्रयुक्त पात होता है। स्टील का क्या है? छिद्रयुक्त पात। स्टील का छिद्रयुक्त पात्र है तो किसका काम करता है? कैथोड का काम। इसमें जो यू आकार का डायफ्राम है, इसमें NaCl का जली विलयन भरा होता है, NaCl का जली विलयन भरा होता है, जिसको क्या कहते हैं? हम ब्राइन कहते हैं, जो 40% सांद्रता का होता है। कितने परसेंट सांद्रता का? 40% सांद्रता का होता है, इसको क्या कहते हैं? हम ब्राइन कहते हैं। इसमें ग्रेफाइट की छत डली होती है, क्या डली होती है? ग्रेफाइट की छत डली होती है जो किसका काम करती है? एनोड का काम। किसका काम करती है? एनोड का काम करती है। इस विधि में 3 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एक क्लोरीन गैस, एक हाइड्रोजन गैस और तीसरा मेन प्रोडक्ट NaOH होता है। ठीक, इसको त्रिपद विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपद विधि भी कहते हैं। इसमें नीचे से भाप प्रवाहित की जाती है जिससे क्या हो? क्लोरीन गैस ऊपर से निकले। अब देखें फिगर के बारे में डिस्कशन होगी, तो विद्युत अपघटनी विधि जैसे कि नाम से स्पष्ट है, विद्युत अपघटनी विधि में 3 चीजों की आवश्यकता होती है, एक वैद्युत अपघट विलयन, एक एनोड और एक कैथोड। तो एनोड क्या है आपका? ग्रेफाइट की छड़। कैथोड क्या है? स्टील का छिद्रयुक्त पात, स्टील का छिद्रयुक्त पात। और NaCl का जली विलयन तो किसका काम करता है? वैद्युत अपघटन का काम करता है। फिर क्या करेंगे इसमें? NaCl के जली विलयन में तथा सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इससे NaCl के जली विलयन का वैद्युत अपघटन होगा। NaCl का जली विलयन है, इसका वैद्युत अपघटन होगा। तो सोडियम की पर क्या होगा? 1 पॉजिटिव होगा बेटा, Na की पर 1 पॉजिटिव, Cl की पर क्या है? 1 नेगेटिव। सोडियम के ऊपर एक धनायन हो गया और Cl के ऊपर क्या हो गया? एक नेगेटिव हो गया। तो धनायन किसकी ओर जाएगा? धनायन की ऑन कैथोड रिएक्शन, ऑन कैथोड रिएक्शन। कैथोड किसका काम कर रही है? कैथोड किसका काम कर रहा है? स्टील का छिद्रयुक्त पात, स्टील का छिद्रयुक्त पात्र, स्टील का छिद्रयुक्त पात्र। तो Na1 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बन जाएगा? Na। चूंकि इसका जली विलयन है, चाहे जली विलयन है तो Na किससे अभिक्रिया करेगा? जल से अभिक्रिया करेगा, इससे क्या बना लेगा? NaOH बना लेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर, क्या कर देगा? हाइड्रोजन गैस। टू से बैलेंस करो, 2 2 4 2 2 4 2 सोडियम, 2 सोडियम, हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर निकलेगी,
अब ऑन एनोड रिएक्शन, इस पर अभिक्रिया हो रही एनोड पर, ऑन एनोड रिएक्शन। तो एनोड का कौन काम कर रहा, ग्रेफाइट की छड़ काम कर रही, कौन सी कर रही, ग्रेफाइट की छड़। तो Cl बन नेगेटिव गिब्स Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, Cl प्लस Cl गिब्स क्या बन जाएगा Cl2, गिब्स क्या बन जाएगा Cl2 गैस ऊपर की ओर जाएगी, जिसे निकास नली के द्वारा क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे। छिद्रित पात्र के द्वारा धीरे धीरे NaH पात्र की तली पर एकत्रित हो जाएगा, इसे निकास मार्ग के द्वारा बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार प्राप्त NaH NaCl की शुद्धि होती है, अलग अलग कर लेते हैं, इस प्रकार शुद्ध NaH प्राप्त हो जाता है।